नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक ऐसे ही कार्यक्रम में। मैं भी हूं मैदान में। आज हमारे साथ एक और प्रत्याशी मौजूद हैं जिन्होंने क्षेत्र की जनता पर भरोसा जताया है और अपना नामांकन कराने के बाद में भारतीय जनता पार्टी पर उसका साथ दिया है। तब हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी क्या इच्छाएं हैं क्षेत्र की जनता के बीच जाकर और क्या विकास करना चाहती हैं। सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या तैयारियां हैं आपके कार्यक्रम को लेकर। तैयारियां अच्छी चल रही हैं और घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और आगे अगर मौका मिला तो उनका निवारण भी किया जाएगा। आखिर क्यों आपका मन हुआ कि चुनाव मैदान में उतरें? ऐसा कुछ नहीं था कि चुनाव में उतरने का कोई आइडिया नहीं था मेरा, बट मेरे फादर इन लॉ एक अच्छे पॉलिटिशियन है तो दे फोर्स मी, मैं आ गई। अच्छा, रिस्पांस कैसा मिलता है जनता के बीच में? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिलता है एंड बहुत प्यार मिलता है लोगों से। जनता में जाकर बहुत अच्छा लगता है, उनकी समस्याएं देखकर थोड़ा बुरा लगता है और उन पे आगे सोचा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता? क्षेत्र की जनता मुझ पे भरोसा रखे, मुझे आगे बढ़ाए और उन्हीं की बेटी हूँ, चाहती हूँ आगे बढ़ूँ और उनकी समस्याओं का निवारण करूँ। जिस तरह से क्षेत्र में जाके लोगों से मिलना, उनसे प्यार मिलता है, तो क्या लगता है, मन करता है कि हाँ राजनीति में सही से उतरा जाए? कभी कभी। तो ये थे हमारे पार्षद महोदय के दावेदार जिन्होंने पार्षद की दावेदारी की है। अब देखना यह होगा कि क्षेत्र की जनता जिस तरह से इन पर प्यार लुटा रही है, क्या वो वोटिंग के दिन भी लगातार अपना प्यार दर्शाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी कुलदीप के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया।